कैसे फॉर्मेट में की जाती है जिसमें मेजरली थ्री हेड्स वर देयर वन नॉन सेविंग्स इनकम देन सेविंग्स इनकम तीसरी कौन थी याद नहीं आ रही तीसरी कौन सी इनकम थी डिविडेंड इनकम नॉन सेविंग्स इनकम में एक इंडिविजुअल अलग अलग सोर्सेस से जो जो भी कमाता है वो सब आता है इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग इनकम यानी कि बिजनेस की इनकम दूसरी कौन सी थी कैटेगराइज किया जाता है तो सेविंग्स इनकम में क्या आता है आशना से क्या आता है ध्यान नहीं आ रहा याद दिलाओ जरा मैम बैंक इंटरेस्ट ओके okay. अंकुर सेकंड क्या आता है सेविंग्स इनकम में बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट करेक्ट और तीसरी इनकम होती है डिविडेंड इनकम जब इन तीनों का टोटल लगाते हैं तो एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम आती है टोटल इनकम में से हम क्या माइनस करते हैं ताकि नेट इनकम आए रुत डू वी डिडक्ट रिलीफ 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 माइनस करके नेट इनकम मिलती है लास्ट में डिडक्शन इप्सा किस चीज का डिडक्शन मिलता है एंड में पर्सनल अलाउंस पर्सनल अलाउंस पीए एंड देन वी गेट टैक्सेबल इनकम ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है जिस पे इंडिविजुअल टैक्स पे करता है हम डिटेल में कुछ पीए से रिलेटेड चीजें पढ़ के आए थे फर्स्ट थिंग पीए हर इंडिविजुअल को मिलता है 12500 ये अमाउंट हर साल फाइनेंस एक्ट में चेंज होता है आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 में ये अमाउंट है 12500 ये एक पर्टिकुलर इनकम पे यूज नहीं किया जा सकता जयेश वो क्या इनकम है जिसपे इसको हम यूज नहीं कर सकते जयेश हम आ, किस पे तो नहीं, 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 नहीं कर सकते कैपिटल गेन पे हम इसको कैपिटल गेन आ... पे यूज नहीं कर सकते ठीक है बोलो दो बार हम पीए को कैपिटल गेन के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते बोलो बोलो जल्दी बोलो बोल लिया मैम अब <laughs> भूलना नहीं ठीक है ओके मनीषा मनीषा क्या पीए अगर कभी भी अनयूटिलाइज रह जाए उसको नेक्स्ट ईयर पे ले जाया जा सकता है मनीषा को ट्रांसफर किया जा सकता है पाउस को ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन अगले साल पे नहीं लाया जा सकता बिल्कुल नहीं लाया जा सकता ठीक है अब पीए की एक स्पेशल क्लॉज पे हम बात करते हैं बाकी चीजें तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन में काम आ जाएंगी मेजरली हमें यह ध्यान रखना है सो पी ए है अगले साल पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता कैपिटल गेन को कम करने के काम ये नहीं आ सकता स्पाउस को ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन पीए रिड्यूस भी हो जाता है कैसे रिड्यूस हो जाता है इसका रिडक्शन बड़ा अजीब तरह का होता है हो अजीब तरह का मतलब पीए कम क्यों कर देंगे एच बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल बहुत कमाई कर रहा है तो उसको पीए पूरा नहीं मिलना चाहिए ये अजीब है इसमें हम इक्वालिटी की बात करते हैं लेकिन हम हाई इनकम स्लैब वाले के साथ इक्वालिटी मेंटेन नहीं करते एंड दैट्स फेयर आल्सो मोर टैक्स शुड बी बॉर्न बाय पीपल अर्निंग मोर सो दैट मेक्स सेंस इसका मतलब अगर कोई ज्यादा कमा रहा है उसको पीए पूरा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का नहीं मिलेगा वो पीए कम हो जाएगा अब पीए कम कितना होगा और ये कौन इंडिविजुअल है जिसको हम बोल रहे हैं कि इसकी कमाई ज्यादा है उसकी डेफिनेशन में क्लियरली एच ने बोला वो इंडिविजुअल जिसकी एडजस्टेड नेट इनकम वन लाख पाउंड से ज्यादा हो जाती है ही इज अर्निंग इंडिविजुअल यानी ऐसे इंडिविजुअल के लिए पीए पूरा 12,500 नहीं होगा कम अमाउंट होगा लेकिन यहां पे एक वर्ड आ रहा है एडजस्टेड नेट इनकम एडजस्टेड नेट इनकम वन लाख पाउंड से ज्यादा होगी तो पीए कम हो जाएगा अब ये एडजस्टेड नेट इनकम क्या है पहले ये समझ लेते हैं सो एडजस्टेड नेट इनकम इज नेट इनकम माइनस गिफ्ट एड डोनेशन ग्रॉस एंड पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रॉस अब ये दोनों टर्म्स क्या है कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है कोई भी डोनेशन दे अगर उसने डोनेशन के नाम पे कोई भी गिफ्ट किया है उसका ग्रॉस अमाउंट आप यहां से लेस करेंगे ग्रॉस अमाउंट होता है लेट सपोज उसको डोनेशन देना है कोई हंड्रेड पाउंड का हंड्रेड पाउंड के ऊपर वो टैक्स काट के नेट बचावा डोनेशन देगा अगर मुझे हंड्रेड में से 20 का टैक्स काट के 80 का अमाउंट दिया हुआ है एएनआई कैलकुलेट करने में 100 काम आएगा आई नीड ग्रॉस नॉट नेट 80 नहीं लेंगे माइनस करने में 100 लेंगे कि ग्रॉस अमाउंट क्या था आप टीडीएस भूल जाओ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भूल जाओ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है अभी इसमें आगे डिटेल में आएगा लेकिन जनरली ऊपर ऊपर में क्या होता है आप किसी को भी कोई भी इनकम देते हो तो जो भी इनकम दे रहा है वो टैक्स ऑलरेडी काट के उसको देगा नेट करके देगा यानी सोर्स ऑफ जेनरेटिंग इनकम विल डिडक्ट टैक्स टीडीएस टीडीएस का यूके टैक्स सिस्टम में नाम कुछ अलग है वो अभी डिस्कस करेंगे बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रॉस गिफ्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की यानी इसमें से टैक्स कंसिडर नहीं करना ग्रॉस अमाउंट ऑफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रॉस अमाउंट ऑफ गिफ्ट डोनेशन ये दोनों अमाउंट आप नेट इनकम में से जब माइनस कर देंगे तो एडजस्टेड नेट इनकम आएगी ये नेट इनकम क्या थी क्या ये टोटल इनकम माइनस रिलीफ थी एम आई राइट या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? टोटल इनकम लेस रिलीफ एंड इज नेट इनकम श्योर नो ये पर्सनल अलाउंस से पहले वाला अमाउंट है उसके बाद तो टैक्सेबल इनकम आएगी ठीक है रोहन कंफ्यूजन दूर सोचो सोचो टोटल इनकम उसमें से आपने रिलीफ माइनस की यू गेट नेट इनकम उसमें से आपने पीए माइनस किया नाउ यू गेट टैक्सेबल इनकम यानी पीए माइनस होते ही टैक्सेबल इनकम आएगी नेट इनकम नहीं आएगी नेट इनकम वो है जो सिर्फ रिलीफ माइनस करके आएगी लेके चलू स्लाइड पे रोहन देखो ठीक है कंफ्यूजन दूर कोई बात नहीं बोलो ये जो गलतियां तुम क्लास में करोगे ना ये गलतियां एग्जाम में याद रहेंगी कि मैंने एक बार नेट इनकम को गलत बोला था ठीक है रोहन क्लियर यस मैम तो ये ये वाली की बात कर रहा है ये ये नेट इनकम की नेट इनकम में से दो अमाउंट्स क्या माइनस करने हैं तो जयेश <laughs> ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन और ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ये दोनों ऐसे ही नाम से आपको एग्जाम में दिए होंगे ये कैलकुलेट नहीं करने ये आएगी ए एन आई यानी एडजस्टेड नेट इनकम एडजस्टेड नेट इनकम अगर वन लाख पाउंड से सीड कर गई आपका पीए पूरा नहीं मिलेगा आपको अब सवाल ये है कि पीए कितना कम होगा तो रिडक्शन इन पीए विल बी 50 परसेंट ऑफ दिस एक्सेस अमाउंट यानी आपकी ए एन आई वन पाउंड से जितनी भी ऊपर हो रही है इस एक्सेस का 50 परसेंट विल बी दी रिडक्शन इन पीए मैं क्या बोल रही हूं उसको दिमाग में बिठाते जाओ सेम ऐसे कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में पीए कितना कम होगा वन लाख पाउंड से ए जितनी भी ज्यादा होगी इस एक्सेस का 50 परसेंट ये रिडक्शन इन पीए है पीए मिलेगा नहीं ये रिडक्शन इन पीए होगा और बचा हुआ पीए आप क्लेम करेंगे दिस हाउ इट विल बी डन अब एक लाइन इन्होंने दी है एग्जाम के लिए अगर किसी भी टैक्स पेयर की ए एन आई वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पाउंड से एक्सीड कर गई इसका मतलब उसको तो पीए मिलेगा ही नहीं समझ नहीं आया ये क्या बात हुई ये देखो ऐसी बात हुई है 1 लाख 25,000 लेट्स सपोज लेते हैं 125,000 की किसी की एनआई आई हम बोल रहे हैं अगर एक लाख से ऊपर एनआई हुई तो इस एक्सेस का 50 परसेंट रिडक्शन इन पीए है एक्सेस कितना आया 1 लाख पाउंड से 12,000 कितना रहा सॉरी 25,000 25,000 है रिडक्शन इन पीए कितना आएगा इस एक्सेस का 50 परसेंट इज रिडक्शन इन पीए ये कितना आएगा रिडक्शन इन पीए 12,500 पीए था कितना 12,500 इतना आपने उसमें से रिड्यूस कर दिया पीए बचा कितना क्लेम करने को जीरो यानी अगर किसी टैक्स पेयर की ए 125,000 पाउंड से एक्सीड कर जाती है इसके पास पीए बचेगा ही नहीं तो तुम्हें कैलकुलेशन करनी नहीं है ये सेंटेंस एग्जाम में दिया हुआ होगा ये कैलकुलेशन करना ही मत अगर दिख रहा है कि किसी की ए एन आई वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से बियॉन्ड जा रही है डोंट कैलकुलेट दिस ए एन आई दिखा रहे हो रिडक्शन करके दिखा रहे हो फिर दिखा रहे हो कि पीए बचा ही नहीं है डोंट शो दिस सीधा ये लाइन लिखो एंड मार्क पी एज जीरो अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझने के लिए लेट्स प्रैक्टिस अ क्वेश्चन ताकि आपको ये पता चले कि हम इसमें से किस तरह के क्वेश्चन से डील करने वाले हैं दिस इज इलास्ट्रेशन वन इन योर पे इन योर बुक नए वाली बुक है स्टडी टेक्सट है उसका इलास्ट्रेशन है इथ एन रिसीव्ड ट्रेडिंग इनकम ट्रेडिंग इनकम कौन सी इनकम हो गई नॉन सेविंग इनकम यानी ये नॉन सेविंग इनकम है वन लैख टेन थाउजेंड पाउंड की इसकी नॉन सेविंग इनकम आती है इन दैक्स इ्वेंटी ट्वेंटी वन ही ऑल्सो मेड गिफ्ट एड डोनेशन ऑफ फोर थाउजेंड पाउंड ग्रॉस सब कुछ दे रखा है यानी मेरे पास ए एन आई निकालने का सामान पूरा है कैन आई कैलकुलेट दिस ए एन आई नाउ वॉज दिस ए एन आई नेट इनकम नेट इनकम क्या होगी जो रिलीफ के बाद आएगी और कोई इनकम ही नहीं है यानी टोटल इनकम इज वन टेन टोटल इनकम वन टेन इज देयर एनी रिलीफ नो जीरो रिलीफ क्वेश्चन ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी मैं किस अमाउंट की रिलीफ दू इसका मतलब नेट इनकम भी 110 ही आई अब हम क्या बोलते थे एन क्या होता है ये जो नेट इनकम है इसमें से हम दो अमाउंट माइनस करते हैं ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन और ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिया नहीं है लेकिन गिफ्टेड डोनेशन दिया है और वो भी ग्रॉस पका पकाया डायरेक्ट मैं फोर थाउजेंड माइनस कर दू एनआई exceeding 1 lakh ,00 pounds yes it is 1 lakh pounds se kitna exceed kar rahi hai ani 6000 pounds 6000 pounds ka 50% is reduction in pa yes or no is this clear to everyone yes ma'am yes ma'am यानी कि 3000 का pa में से reduction होगा pa था कितना एक normal individual को कितना pa मिलता है 12,500 इसमें से इस इंडिविजुअल का 3,000 तो हमें करना होगा कम यानी इसको पीए अब कितना मिलने वाला है 9,500 का ये पूछना चाह रहे हैं इसकी टैक्सेबल इनकम यानी इथन की टैक्सेबल इनकम आप निकालो कितनी आती है टैक्सेबल इनकम क्या होती है जो नेट इनकम के बाद में पीए देने के बाद की होती है यानी नेट इनकम के बाद अब मुझे यहां पे पीए देना पड़ेगा मैं उस फॉर्मेट को रेफर कर रही हूं पीए में कितना दूंगी ट्वेल्व नहीं 9,500 हंड्रेड नहीं नाइनटी फाइव हंड्रेड नॉट इज दिस इंडिविजुअल माइनस नाइनटी फाइव हंड्रेड इज दिस वन डबल जीरो फाइव डबल जीरो क्या ये टैक्सेबल इनकम आई यस मैम ठीक है क्लियर टू एवरी वन कैसे हम पीए का रिडक्शन कैलकुलेट करते हैं नेट शैल में आपके पास टैक्स में करने को यही है प्रोविजंस वर्ड टू वर्ड लर्न होंगे तो आप अप्लाई कर दोगे मैंने सीधा-सीधा ये बोला इफ द एडजेस्टेड नेट इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एक्ससीड्स वन लाख पाउंड्स जितना भी एक्सेस है उसका 50% रिडक्शन इन पीए मैंने ये नहीं बोला कि पीए उतना ही मिलेगा मैंने बोला रिडक्शन इन पीए है ही यानी को आप उस अमाउंट से कम करेंगे अब यहां सिंपल स्टेप्स लगाते जाओ सबसे पहले ए कैलकुलेट कर लो ए एन आई वन लाख पाउंड से कितनी ज्यादा जा रही है सिक्स थाउजेंड फिफ्टी परसेंट रिडक्शन इन पीए होगा यानी पीए आप कितने से कम कर देंगे थ्री थाउजेंड से ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का पीए थ्री थाउजेंड से कम होके नाइनटी फाइव हंड्रेड रह जाएगा अब आप कैलकुलेशन में पीए ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं लेंगे नाइनटी फाइव हंड्रेड लेंगे यानी अब टैक्सेबल इनकम कितनी बचेगी वन डबल जीरो फाइव डबल जीरो वन लैख फाइव हंड्रेड पाउंड क्लियर है समझ में आता है सबको yes, बताओ माँग. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक है अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए लिखा है आप ज्वाइन करो मत करो इसको ट्राई जरूर करना सिंपल सा है इसकी फोटो खींच लो अभी हो सकता है आप लोगों के पास बुक्स नहीं हो एटलीस्ट क्लिक दिस फोटोग्राफ और इसको होमवर्क में ट्राई करना सेम क्वेश्चन बिल्कुल okay. लिली अपने लीली यस yes, मैम ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं ये तो रिडक्शन इन पीए आया और हमने टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट कर ली सवाल ये आता है कि अब टैक्स कैसे, कैसे कैलकुलेट होगा अभी हम पहुंचे थे वन डबल जीरो की इनकम पे उस पर टैक्स भी कैलकुलेट करना आना चाहिए इनकम कैसे कैलकुलेट होगी वो हम हर चैप्टर में देखेंगे पूरा सिलेबस उसी का ही चलेगा लेकिन जब इनकम कैलकुलेट हो गई स्पेशली टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गई तो टैक्स कैसे, कैसे कैलकुलेट करूं उसके लिए प्रोविजंस क्या है तो प्रोविजंस इसके लिए हाँ हाँ गौरव प्लीज बोलो

किसी भी इंडिविजुअल की नेट इनकम आती है 135000 पाउंड्स 135 नहीं ये तो इसमें तो पीए जीरो हो जाएगा एक मिनट रुको इसको कुछ नंबर अलग लेती हूँ लेट्स सपोज 120 ले लेती हूँ पीए जीरो नहीं आएगा सो so, 120 आ गई उसकी एनआई अब इसने कोई गिफ्टेड डोनेशन नहीं किया कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो मेरे पास लेस करने को कुछ है ही नहीं यानी एडजस्टेड नेट इनकम कितनी आई ये भी 120 आई एंड व्हाट वाज द कंडीशन फॉर रिडक्शन ऑफ पीए अगर एएनआई एक्सीड्स 1 लाख पाउंड्स तो आपका पीए रिड्यूस होगा कितना रिड्यूस होगा जितनी भी ज्यादा है यानी यहाँ पे 20000 पाउंड्स ज्यादा है इसका 50% इज द रिडक्शन इन पीए यानी 10000 इज रिडक्शन इन पीए अब पीए बचा कितना आइडियली पीए मिल जाता ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का टेन थाउजेंड का हमने रिडक्शन दे दिया इस इंडिविजुअल को पीए कितना मिलेगा सिर्फ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का यानी अगर मैं यहीं से देखूं इसकी नेट इनकम आती है वन ट्वेंटी की उसमें से लेस मुझे पीए करना है अब पीए में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस करूंगी बाकी बचावा सारा वन सेवेंटीन फाइव हंड्रेड ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी और ये टैक्स पे करेगा वन सेवनटीन फाइव हंड्रेड पे गॉट दैट इन केस ऑफ लेख अगर किसी की ए एन आई या नेट इनकम वन आती है जी, पूरा साढ़े बारह पूरा साढ़े बारह पूरा साढ़े क्योंकि इसकी कंडीशन ही ये है कि आपकी नेट इनकम माइनस ये दोनों आइटम या एन आई एक लाख से ऊपर जाएगी तभी रिडक्शन की बात आएगी अगर एक लाख तक भी है तो भी कोई रिडक्शन नहीं है अच्छा जैसे यह भी हो सकता है इसकी इनकम है तो आपको एग्जामिनर को दिखाना होगा क्या कोई गिफ्टेड डोनेशन है लेट सपोज है अभी वाले क्वेश्चन की तरह चार हजार का है अब ए एन आई कितनी बची नाइन थाउजेंड क्या ये वन लाख से ऊपर जा रही है नहीं नहीं, नहीं। तो कोई रिडक्शन इन पीए नहीं है पीए इसका पूरा साढ़े बारह हजार मिलेगा ठीक है चलो ओके राइट ठीक है so, सो अब इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन पे आते हैं ये जो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है आपको एग्जाम में गिवन होंगी एग्जामिनेशन के पेपर की स्टार्टिंग की कुछ शीट्स जो होती है वो टैक्स की रेट्स की होती है तो ये आपको रटनी नहीं है बट आई टेल यू प्रैक्टिकली आपको ये लर्न हो जाएंगी आप इतना यूज करेंगे इनको क्वेश्चन में कि आपके वैसे दिमाग में बैठ जाएंगी सबसे पहली इनकम हम कौन सी कैटेगराइज करते थे नॉन सेविंग्स इनकम इस पे क्या टैक्स रेट है कैटेगरी आप बोलोगे तीन तीन रेट हाँ क्योंकि कुछ इनकी इनकम लिमिट है तो रेट्स एक बार यहाँ रिकॉर्ड के लिए लिखी गई है इसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नॉन सेविंग्स इनकम इज एक्सपोज एट ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी फाइव

ना? ये आपको मिल जाएंगी हाँ जी मैम ये हर इनकम पे अलग अलग टैक्स लगेगा टोटल इनकम पे लगेगा अलग अलग पे सेविंग्स इनकम इसलिए प्रशांत हमने कैटेगरीज क्रिएट की टोटल इनकम में नॉन सेविंग्स इनकम अलग होनी चाहिए सेविंग्स इनकम अलग होनी चाहिए डिविडेंड इनकम अलग होनी चाहिए क्यों क्योंकि सबकी टैक्स रेट्स अलग अलग है सब पे बेनिफिट्स अलग अलग है ये देखो सेविंग्स इनकम में और डिविडेंड इनकम में जीरो परसेंट टैक्स दिख रहा है जबकि नॉन सेविंग्स इनकम में जीरो परसेंट का क्लॉज ही नहीं है देखा इसको डिटेल में अभी और पढ़ेंगे कि ये रेट्स कैसे कैसे लगेंगी तो अभी सिर्फ इस स्लाइड में मैंने इसको कंसाइज करके डाला है कि तीनों हेड्स की ये ये रेट्स और ये तीनों के तीनों एग्जाम्स में होंगी तो इसमें अभी डीप पे जाते हैं फिर बताना ठीक है प्रशांत आगे बढ़ जाऊं yes, अब देखो ऑर्डर ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स लाइबिलिटी यानी जब रेट्स अलग अलग है तो मुझे इन पे टैक्स भी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले किस पे कैलकुलेट करूं नॉन सेविंग्स इनकम पे फिर किस पे करूं सेविंग्स इनकम पे पे फिर किस पे करूं डिविडेंड इनकम पे यानी वो जो फॉर्मेट हम कल पढ़ रहे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इन सारी चीजों में उसमें जो सीक्वेंसिंग थी उसी सीक्वेंसिंग में ही पीए यूज हो रहा है उसी सीक्वेंसिंग में टैक्स कैलकुलेशन हो रही है सिंपल तो उस फॉर्मेट को याद रखना अब आते हैं नॉन सेविंग्स इनकम को समझने पे इन्होंने तीन रेट दे दी ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी फाइव किस पे ट्वेंटी परसेंट लगाऊ किस पे फोर्टी परसेंट लगाऊ किस पे फोर्टी फाइव परसेंट लगाऊ तंग कर दिया तो इन्होंने ये लिमिट दे दी करते हैं जी क्लैरिफाई करते हैं क्या क्लैरिफाई किया इन्होंने जिस भी इंडिविजुअल की इनकम यानी ये टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है ये किस इनकम की बात कर रहा है यहाँ पे ये वाली इनकम टैक्सेबल इनकम उसी के ऊपर टैक्स लगता है यानी अगर किसी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 37,500 पाउंड्स तक है वो बेसिक रेट बैंड का बंदा होता है मिनिमम टैक्स वाला बंदा होता है। उस पर ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगता है जैसे ही उसकी इनकम 37,500 से क्रॉस होती है और वन लैख फिफ्टी तक ही रहती है वो हायर रेट बैंड का बंदा है जो फोर्टी परसेंट की रेट से टैक्स देता है और अगर उसकी इनकम वन लैख फिफ्टी पाउंड से भी ऊपर निकल जाती है तो वो एडिशनल रेट बैंड का बंदा होता है जिसपे फोर्टी फाइव परसेंट टैक्स रेट होती है ये तीनों टर्मिनोलॉजीज पूरे टैक्स के पेपर में यूज होंगी इनको दिमाग में फिट कर लो बेसिक रेट बैंड का इंडिविजुअल हायर रेट बैंड का इंडिविजुअल एंड एडिशनल रेट बैंड का इंडिविजुअल फटाफट फड़ से बेसिक रेट बैंड होती है 37,500 पाउंड्स तक पे जो 20 तक पे जो हैं। दूसरी हायर रेट बैंड वो जिनकी इनकम थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड से रेट पे टैक्स देते हैं इस हायर रेट पे यानी अगर किसी की इनकम वन है तो वो पहले तो थर्टी तक पे ट्वेंटी टैक्स पे करेगा बचे हुए सारे अमाउंट पे फोर्टी पे करेगा वो स्ट्रेट फोर्टी परसेंट नहीं पे करेगा इस रेंज पे फोर्टी परसेंट लगता है और अगर कोई इससे भी ऊपर कमाने वाला है यानी से जिसकी इनकम करती है तो वो 150 के ऊपर वाले अमाउंट पे टैक्स पे करेगा इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जहां पे इनकम बढ़ती है तो रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता है दैट्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कल सुना था ना ये नाम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सुना था जी जेस्मा ठीक है फटाफट इसकी फोटो खींचो अभी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें ये रेफर करने के काम आएगी फटाफट एक बार फोटो खींच लो इसकी इस लैब की मॉर्निंग मैन हाँ दिशांत हाँ मैं आवाज़ सॉरी कम आये माय मॉडेबल नाउ हाँ हाँ मैं हाँवाज़ अरे भाई क्लास चल रही है

देन मनीषा मनीषा इतनी चुपचाप क्यों बैठी है साक्षी अरे दो दो साक्षी है हमारे पास साक्षी गर्ग साक्षी मराठे साक्षी साक्षी मराठे यू कम फ्रॉम मुंबई नो मैम नागपुर ओ चलो ओके okay. अब करते हैं स्टेप्स इन इनकम टैक्स कंप्यूटेशन ये सिंपल से स्टेप्स हैं सबसे पहली चीज हम इंडिविजुअल की नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे फिर देखेंगे कि पीए को रिड्यूस तो नहीं करना अगर पीए को रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करके जो अमाउंट आएगा हम वो माइनस कर देंगे टैक्सेबल टैक्सेबल इनकम इनकम आ जाएगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे सिंपल यानी सबसे पहले उस फॉर्मेट की तैयारी करेंगे निकालेंगे और टैक्सेबल इनकम निकाल के उसके ऊपर इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे सो so आइडियली जब आप दो तीन बार इनको पढ़ लेंगे तो ये स्लाइड हटा सकते हैं आप ये इतनी प्रैक्टिस में आ जाएगी कि इसको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इलेट्रेशन टू ये आपके कैपलिन स्टडी टेक्स का है बुक में मिल जाएगा टोनी हैज है सारी इनकम क्या है नॉन सेविंग इनकम कैलकुलेट टोनीज इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर दस इवेंटी ट्वेंटी वन चलो जी करते हैं कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट चलिए जी ट्रेडिंग इनकम निकालते हैं सबसे पहले मैं जो स्क्रीन पे लिख रही हूं सबको दिख रहा है ना ट्वेंटी वन वन सिक्स फाइव उसके बाद में लेते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम कितने का एम्प्लॉयमेंट इनकम थ्री थाउजेंड का उसके अलावा ना सेविंग्स इनकम है ना डिविडेंड इनकम है यानी यहां पे इन दोनों का टोटल लेके मुझे टोटल इनकम मिल जाएगी मिल जाएगी इसके बाद में क्या माइनस करते हैं जयेश रिलीफ क्या कोई रिलीफ की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है नो नो जीरो यानी क्या आएगा दिस विल बी नेट इनकम नेट इनकम में से क्या माइनस करेंगे अंकुर क्या माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको रिड्यूस करूं क्या पीए को हाँ मतलब ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से कम करें कुछ अमाउंट नहीं मैम नहीं क्यों मैम क्योंकि यहाँ पे वो जो इनकम है वो वन लाख से ऊपर नहीं है जा रही जो ए आए आएगी जब नेट इनकम ही एक लाख से ऊपर नहीं है तो ए एन लाख से ऊपर कैसे आ सकती है इसलिए पीए का रिडक्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है उलझना भी मत उसमें सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली डू टwelve thousand five hundred का पीए ये क्या आएगा दिस विल बी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है फटाफट फड़ कैलकुलेट करके बता दो one one six six five one one six six five सब की आ गई है one one six six five यस मैन यस मैन अब अब सबसे पहली चीज ये है इसकी टैक्सेबल इनकम को देखते हुए आप ये डिसाइड करो क्या ये बेसिक रेट बैंड वाला इंडिविजुअल है या हायर रेट बैंड वाला है या एडिशनल रेट बैंड वाला है बेसिक रेट वाला है ये ये बी आर बी वाला है बुक में जगह जगह बेसिक रेट बैंड को लिखा जाता है बी आर बी बेसिक रेट बैंड हायर रेट बैंड को लिखा जाता है एच आर बी और एडिशनल रेट बैंड को बुक यूज करेगी एआरबी तो इन तीनों नाम से कंफ्यूज नहीं होना दिस इज बेसिक रेट बैंड दिस इज हायर रेट बैंड दिस इज एडिशनल रेट बैंड ये बेसिक रेट बैंड वाला इंडिविजुअल है क्यों क्योंकि टैक्सेबल इनकम थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाउंड से एक्सीड कर नहीं रही यानी ये इलेवन पे कितना टैक्स पे करेगा ट्वेंटी निकाल दो कितना आ रहा है ट्रिपल थ्री दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दी टैक्स पेबल बस टैक्स राइट एग्जाम में हो सकता है ठीक है घबराना नहीं तो की ये साइन नहीं मिल रहा मैं क्या लिखू इसमें साइन अपन वर्ड में लिख देंगे इट शुड बी क्लियर टू दिनर की ये जो अमाउंट आ रहा है ये पाउंड में आयालिंग पाउंड में कोई प्रॉब्लम है इस इलास्ट्रेशन में नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? यस। yeah. चलिए जी अब इलास्ट्रेशन थ्री पे आते हैं ये भी कैपलिन का ही है टेरेसा टेरेसा हैज टैक्सीबल ट्रेडिंग इनकम ऑफ फोर्टी थ्री सेवन सिक्सटी फाइव पाउंड एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ सेवन थाउजेंड पाउंड ये दोनों भी नॉन सेविंग इनकम है

Then, employment income, 7, ये short forms आप एग्जाम में यूज नहीं करेंगे ये हमारे क्लास के शॉर्ट total income जिसमें रिलीफ है नहीं तो मैं रिलीफ को लिखने की बजाय यहाँ पे डायरेक्ट भी नेट इनकम लिख सकती हूँ बिकॉज देर आर नो रिलीफ क्या आएगा ये फिफ्टी थाउजेंड सेवन सिक्स ठीक है देखे 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 देखे। अब इसमें क्या करूं रिलीफ तो है नहीं व्हाट शुड आई डू पी एल एस पीएलएस और पीए को कम करने की जरूरत तो है नहीं इट्स नॉट एनी विच वे इज एक्सीडिंग वन लैक पाउंड सी द्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस कर दो बताओ जी कितनी टैक्सेबल इनकम आ रही है थ्री एट टू सिक्स हाउ मच थ्री एट टू सिक्स फाइव टू दिस इज दी टैक्सेबल इनकम ओके गर्ल्स बी रेडी अब मैं टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपके पास आ रही हूँ जस्ट गेट रेडी गुड निधि गुड ओके सो लेट मी कम टू वेरी गुड साक्षी साक्षी गर्ग से तो पूछना बेकार है चलो आई कम टू साक्षी मराठे साक्षी अंकुर का आंसर आ गया वेरी गुड वेरी गुड गाइज साक्षी मराठे साक्षी कैसे इसका कैलकुलेट करें टैक्स को इज ही पेयर और higher rate taxpayer, और एडिशनल हायर रेट बैंडली ये हायर रेट बैंड वाला इंडिविजुअल है अब इसकी इनकम से टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड पर ट्वेंटी परसेंट लगेगा wow. And? And, uh, then, जो minus करके, 38, 265 minus 37, पे uh, 765 पे लगेगा correct. Correct, ये लोगों ने धमाधम आंसर देने चालू कर दिए कोई बात नहीं रोत कोई बात नहीं नो no प्रॉब्लम हाँ पर ये वैसे ठीक है कि ये सबको फिर क्रॉस चेक करने में आसानी हो जाएगी <laughs> चलो ठीक है जी ये क्वेश्चन क्लियर कैसे करेंगे क्लियर यस मैम ये बैच इतना डरा हुआ सहमा हुआ क्यों है डू आई लुक दैट घबरा घबराओ नहीं बिंदास बोलो आंसर्स ये स्क्रीन पे दिख रहा है सब लास्ट में बस ये लिखा हुआ है कैलकुलेट थोमस इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर दी टैक्स ईयर 2021 क्लियर है इलस्ट्रेशन फोर मतलब क्लियर yes. आए यस यस चलो स्टार्ट करते हैं इसको थोमस हैज टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम ट्रेडिंग इनकम आ गई वो भी टैक्सेबल वन थर्टी फाइव थाउजेंड पाउंड एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई थर्टी थ्री सिक्स एट्टी ही डज नॉट हैव एनी सेविंग्स और डिविडेंड इनकम कोई रिलीफ नहीं है कुछ नहीं है यानी डायरेक्ट इन दोनों का टोटल नेट इनकम आ जाएगी यस और नो नेट इनकम आ जाएगी वन प्लस थर्टी 680. How much is this? 138, 680. 168, 680. Correct. ये तो reduction in PA का केस लग रहा है। क्या बोलते हो नहीं मैम नहीं। क्या होती है जब आप नेट इनकम में से दो अमाउंट्स को माइनस करते हैं ये दोनों अमाउंट तो जीरो है इस क्वेश्चन में यानी एडजस्टेड नेट इनकम कितनी रहने वाली है वन सिक्सटी एट सिक्स एटी यही रहने वाली है ये तो मच हायर देन वन लाख पाउंड्स है और जिसमें से हमने एक देखा था कि अगर ए एन आई वन ट्वेंटी फाइव से एक्सीड कर जाती है तो पी वैसे ही जीरो हो जाता है पूरा अमाउंट ही रिड्यूस हो जाता है तो मैं पीए दू इसमें लिखना तो पड़ेगा आपको और ये आपको वर्किंग भी देनी पड़ेगी कि बिकॉज दी एन आई इज एक्सीडिंग नो पीए गिवन टू थोमस इज नॉट टू एनी तो आप PA कर देंगे जीरो यानी कि इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है लगाए टैक्स इसके ऊपर करो जरा कैलकुलेट मी फर्स्ट सी आई नीड ए आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन देन ओनली आई विल स्टार्ट डूंग गुड वेरी गुड करते जाओ करते जाओ सब कॉपी तो नहीं कर रहे हो ना या ये आंसर ही सही है इसलिए सबका आ रहा है अरे वाह 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 जल्दी 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 बाकी लोग गुड 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 जिन्होंने नहीं किया है जल्दी जल्दी देखो इफ यू आर अप्रोच ओके गॉट टू मोर आंसर सारांश का गलत आ रहा है सारांश क्या गलती करी जस्ट क्रॉस चेक देखो शायद कुछ सिली मिस्टेक हुई है छोटी सी देखो अब ये इंडिविजुअल हो गया एडिशनल रेट बैंड वाला इंडिविजुअल यानी इसकी थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की इनकम पे ये ट्वेंटी परसेंट टैक्स देगा फिर 150 और 37500 के डिफरेंस के ऊपर ये 40 टैक्स पे करेगा और बची हुई इनकम के ऊपर यानी कि 150 से ऊपर वाली इनकम के ऊपर ही विल पे टैक्स एट द रेट 45 परसेंट यही किया सर क्या गलती करी जस्ट ट्राई टू कैच कहा हुई ठीक है सब लोगों ने ऐसे किया है एंड यू गॉट दी आंसर ऑफ सिक्स जीरो नाइन जीरो सिक्स जो भी आ रहा है सिक्स जीरो नाइन जीरो फोर फाइव वट एवर इन तीनों का टोटल सिक्स जीरो एक मिनट में देख लेती हूँ ना तुम लोगों ने क्या आंसर लिखा है सिक्स जीरो नाइन जीरो फाइव ठीक है गॉटेट सबका यही आया इसी अप्रोच से या कुछ और किया था

हाँ यार ये तो पूरा आ रहा है एट फोर जीरो सिक्स इथ सिक्स में होता है जयेश जहां पे एक एक पॉइंट के पीछे भी आंसर होते हैं मल्टीपल चॉइस में सो दैट बिकम्स कंफ्यूजिंग नहीं वो राउंडी ऑफ में तो समझ भी आता है लेकिन इस वाले में तो हाँ सीधा आ रहा है सीधा आ रहा है कोई बात नहीं सीधा आ रहा है ठीक है सो सोवर इज गेटिंग फाइव प्लीज करेक्ट इट इट्स सिक्स

150 में से आपने थर्टी सेवन हटा दिया सो व्हाट अमाउंट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ठीक है, चलो फेयर इनफ जी, सो so अब एमए पे आते हैं सो वाज कि जब हम पीए के रूल्स कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर पीए बच जाता है तो हम उसको नेक्स्ट ईयर पे नहीं ले जा सकते यानी कि अनयूटिलाइज्ड पीए सिर्फ और सिर्फ स्पाउस को ट्रांसफर किया जा सकता है डि रूल्स है पढ़ेंगे ये जो ट्रांसफरेबल पीए होता है जो स्पाउस को या सिविल पार्टनर को दिया जा सकता है इसका नाम दिया गया है मैरिज अलाउंस इट कैन बी डन ओनली इनकेस ऑफ मैरिड कपल्स और सिविल पार्टनर्स दोस्तों दोस्तों में माँ बाप में या फिर भाई बहन में ये सब नहीं ट्रांसफरेबल है PA, सिर्फ और सिर्फ स्पाउसेस के केस में ही पॉसिबल होता है कि आप उसको ट्रांसफर कर दो अब आगे इसमें क्या होता है इसकी क्या कंडीशन है क्या कोई भी ट्रांसफर कर सकता है नो no. ये एक तरह का बेनिफिट है और यूके में बेनिफिट देने का एक सिंपल रूल है जो नीडी है वही बेनिफिट ले तो नीडी कौन है ऑब्वियसली जो हायर रेट या एडिशनल रेट टैक्सपेयर नहीं है जो 40 परसेंट या 45 फाइव टैक्स पे कर रहा है वो काहे का, का नीडी यानी मैरिज अलाउंस के लिए हस्बैंड वाइफ और सिविल पार्टनर्स में से कोई भी हायर रेट बैंड या फिर एडिशनल रेट बैंड टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए ये सबसे पहली कंडीशन है अगर दोनों में से कोई भी हुआ तो एमए पिक्चर में आ ही नहीं सकता पहली बात दूसरी बात अब एम होता कितना है क्या जितना बचा हुआ है सारा ट्रांसफर कर दू नहीं ये एक अमाउंट है बस यही ट्रांसफर हो सकता है पीए का टेन परसेंट ना इससे कम ना इससे ज्यादा यानी आप ज्यादा से ज्यादा वन टू फाइव जीरो पाउंड ही ट्रांसफर कर सकते हैं इतनी सी मेहरबानी दी गई है आप चाह के भी पांच छह हजार का पीए बचाए और मैं उसको ट्रांसफर कर दू नॉट बी डन ना इससे ज्यादा ना इससे कम अब सवाल यह आता है कि इसको करें कैसे या फिर एम को पिक्चर में लाने का तरीका क्या है और इससे इफेक्ट क्या आएगा सो पहली चीज जो दे रहा है वो फिक्स अमाउंट ऑफ पीए देगा यानी इसका जो पीए है वो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस वन टू फाइव जीरो रह जाएगा इसका पीए वन टू फाइव जीरो से ही कम होगा जिसको दिया जा रहा है उसके लिए क्या होगा पीए में ऐड कर दू नहीं पीए का तो हमने अमाउंट बोला है कि ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही रहना चाहिए अगर उसमें वन टू फाइव जीरो एड कर दिया तो वो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैसे रहेगा ट्रांसफर्ड पीए का इफेक्ट दिया जाता है इनकम टैक्स लायबिलिटी से ये जो वन टू फाइव जीरो है इस पे ट्वेंटी परसेंट जो भी टैक्स रेट लगा के टैक्स आएगा ये टैक्स कम कर दिया जाता है रिसिपियंट की इनकम टैक्स से ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूं वेन एवर अनयूज पीए इज ट्रांसफर टू अउस आपने ट्रांसफर कितना करना है वन टू यानी टेन ऑफ पीए ना उससे ज्यादा ना उससे कम ये इतना ही ट्रांसफर होगा क्या ये ट्रांसफर होके रिसीव करने वाले के पीए पीए में हो 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 जाएगा नो मैक्सिमम सकता सकता है उससे ज्यादा ही नहीं सकता। तो वो पीए को कैसे अकाउंट फॉर करेगा वो अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी से करेगा यानी वो अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा पूरी नॉर्मली जैसे करता है उसमें से वन टू फाइव जीरो पे ट्वेंटी परसेंट लगा के उस टैक्स को कम कर देगा जो देने वाला होगा वो अपने पीए को यानी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड को माइनस कर देगा वन टू फाइव जीरो से क्योंकि पीए मैक्सिमम ट्वेल्व फाइव हंड्रेड हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए इस इफेक्ट को देने के लिए क्लियरली एच ने एक रूल पास किया कि ये ऐसे ही दिया जाएगा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसको और डीप में समझते हैं पहले ये पॉइंट देखो फिर एक क्वेश्चन करते हैं नंबर वन ध्यान क्या रखना है जो भी इसको रिसीव करेगा इसका इंपैक्ट उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी से लेना है उसके पीए में ऐड नहीं करना है दूसरा रिसिपियंट का खुद का पीए गलती से भी बढ़ा मत देना तीसरा रिसिपियंट की इनकम टैक्स लाइबिलिटी को कितने से कम करना है वन टू फाइव जीरो का ट्वेंटी परसेंट से ही कम करना है चाहे वो फोर्टी परसेंट पर टैक्स पे करता हो लेकिन आप उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को कितने अमाउंट से कम करेंगे वन टू फाइव जीरो के ट्वेंटी परसेंट से ये तीन पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अब इसके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ये इलेन सिक्स है आपकी बुक का जो पर्टिकुलरली मैरिज अलाउंस पे ही है। ध्यान से देखना ये ये देखने के बाद में आपको सिचुएशन पूरी समझ में आ जाएगी आर मैरिड क्लियर बता दिया मैरिज है केविन इज एम्प्लॉयड एंड हैज एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड पर एनम

Kevin की एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रही है थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड की यानी इसको तो पीए अपना पूरा ही चाहिएगा ये पीए यूटिलाइज कर लेगा अपनी इनकम कम करने के लिए लेकिन जूडी इसकी तो इनकम ही सिक्स थाउजेंड पाउंड जूडी के लिए इसका पीए अनयूटिलाइज रहेगा ही रहेगा सो हु इज गोइंग टू ट्रांसफर दी अनयूटिलाईजी जूडी इज गोइंग टू ट्रांसफर टू केवन क्या ये पॉइंट सबसे पहले समझ में आता है ठीक yes, है ट्रांसफर कौन है जूडी क्यों क्योंकि जूडी का पीए अनयूटिलाइज रहेगा केविन तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा इनकम है इतनी कि साढ़े बारह हजार को यूटिलाइज पूरा कर ले। लेकिन जूडी का अनयूटिलाइज रहेगा शी कैन यूटिलाइज द प्रोविजन ऑफ एम ए बट देन नाउ जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑफ एम ए पहले तो एक काम करते हैं ये समझते हैं कि ये पीए ट्रांसफर कर कितना सकती है ये सिर्फ वन टू फाइव जीरो ही ट्रांसफर कर पाएगी यानी इसके लिए जो पीए होगा वो ट्वेल्व फाइव हंड्रेड माइनस वन टू फाइव जीरो का ही होगा ये कितना बचता है हाउ मच इज दिस इलेवे वन वन जीरो फिफ्टी वन वन टू फाइव जीरो का इसका पीए बचेगा जो इसको यूटिलाइज करना है तो इसकी तो इनकम उससे भी कम है इसको तो उतने की भी जरूरत नहीं है राधर बचावा जो पीए अब वो वेस्ट होगा कोई ऑप्शन नहीं है दैट मीन फॉर हर हाउ मच इज दी कैन ओनली यूटिलाईज टिल सिक्स थाउजेंड पी ए कैनॉट मेक द डिपार्टमेंट विल नॉट इश्यू दिस मैक्सिमम पीए आपकी इनकम को जीरो ही कर सकता है यानी टैक्सेबल इनकम जू की कितनी आई जीरो वॉट अबाउट केविन केविन को वन टू फाइव जीरो का मैरिज अलाउंस भी मिला है तो क्या मैं इसके पीए को ट्वेल्व फाइव हंड्रेड प्लस वन टू फाइव जीरो कर दू नो 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 क्लियरली बोल दिया डिपार्टमेंट ने नो no. तो इसका इंपैक्ट कैसे दूंगी इनकम टैक्स लाइबिलिटी से केविन की इनकम टैक्स लाइबिलिटी से इसका इंपैक्ट लेंगे फिलहाल के लिए इसको माइनस करो ये कितना आ रहा है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इसकी इनकम जुड़ी की जीरो हो जाती है केविन की इनकम ट्वेंटी थ्री थाउजेंड हो जाती है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड पे इसको टैक्स देना होगा हाँ. देना ही पड़ेगा पे 20 लगा दो कितना आ रहा ही नहीं है 4600. 4600. इम्पैक्ट देना है इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ गई कितना इम्पैक्ट दू आई विल राइट एम ए और ब्रैकेट में क्या हाँ. लिखेंगे वन टू फाइव जीरो का ट्वेंटी परसेंट भले भले यहाँ पे फोर्टी परसेंट पे होता सॉरी एमए का इंपैक्ट हमेशा ट्वेंटी परसेंट से ही आएगा यानी कितना आएगा टू फिफ्टी वॉट केविन फोर थ्री फाइव जीरो फोर थ्री फाइव जीरो का इसका टैक्स पेबल होगा बोलो बात समझ में आई हम जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपना पीए वो भी बेसिक रेट बैंड होना चाहिए ना वो भी बेसिक रेट बैंड का होना चाहिए टैक्स पे दोनों 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 में से कोई भी ना तो हायर रेट टैक्स पेयर हो और ना ही एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो यहाँ दोनों ही नहीं थे ओके मैम ठीक है वैसे क्वेश्चन नहीं, नहीं।, नहीं चल के पूछा इसलिए हमने क्रॉस चेक नहीं किया एग्जाम में तुम्हें करना पड़ सकता है और एम ए बहुत रेयरली यूज में आएगा क्योंकि क्वेश्चन जो देगा वो बहुत सारे प्रोविजन देने के चक्कर में इनकम बना ही देगा इंडिविजुअल की बनेगी क्योंकि एडजस्टमेंट ज्यादा देगा ना मैम एक क्वेश्चन है मेरा हाँ जी तो मैम इन केस केविन कोई गिफ्ट तो, आ, मतलब देता है जूली को जूडी को वो अलग प्रोविजंस में आएगा ओके वो चार्जेबल गेन के अंदर आ जाएगा कैपिटल गेन टैक्स में गिफ्ट फ्रॉम स्पाउस मैम हाँ जी हाँ अंकुर मैम एक डाउट था जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था कि ना तो वो तो, वन टू से ज्यादा हो सकता जो हम एम ट्रांसफर करेंगे ना ही कम राइट तो कम वाली सिचुएशन में फॉर एन एग्जांपल की हम जो यहाँ पे जूडी थी उसका सपोज 1000 ही बच रहा था तो वो 1000 ट्रांसफर नहीं कर पाती उसके केस सॉरी 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 आई एम गोइंग सो अगर सपोज 1000 बच रहा था तो आप फिर हम वो ट्रांसफर नहीं कर पाते क्या मतलब वो अमाउंट मतलब वो लेस वाला मुझे टर्म लॉजिक क्लियर नहीं है कि हम 1 टू 50 से ज्यादा भी नहीं कर सकते कम भी नहीं बताते हो रुको लेट्स सपोज ऑन द स्क्रीन कम एट वर्स yes. अब या तो ये पीए पूरा का पूरा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड के हिसाब से ले ले लेकिन ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मिलेगा नहीं इनकम जीरो हो सकती है ट्वेल्व थाउजेंड लेके ठीक है क्योंकि इस केस में एम ए पिक्चर में नहीं आएगा उसका पीए कितना बचता है अनयूटिलाइज पांच सौ ही बचता है लेकिन आप ट्रांसफर कितना कर सकते हैं वन टू फाइव जीरो उससे कम तो कर ही नहीं सकते तो वन ऑप्शन जूडी विल डू अ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइक दिस कि इसमें कितनी बचत होती है टैक्स की दूसरा ऑप्शन वो लेगी मैं क्यों नहीं ऐसा करूं कि मैं ट्वेल्व थाउजेंड की इनकम में से इलेवन टू फिफ्टी लू यहां से ये मैं कितना बचा रही हूं सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी मैं टैक्स दे दू ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से ये कितना टैक्स आएगा इसका वन फिफ्टी यहां बचत कितनी हो गई केवेन को टू फिफ्टी की वापस से सुनो मैंने क्या बोला जूडी एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएगी आपके पास जाएगी वो पूछेगी कि क्या कहते हो मुझे ये एमए का बेनिफिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आप उसको कैसे समझाओगे आप बोलोगे अगर आप इसका बेनिफिट नहीं लोगे आपकी इनकम टैक्स जीरो आपके हस्बैंड का टैक्स फोर्टी सिक्स हंड्रेड यही होगा राइट right? राइट right. लेकिन अब आपने ट्रांसफर कर दिया यानी एमए आपने यूटिलाइज कर दिया तो एमए तो स्ट्रिक्ट 1250 का होगा यानी आपका पीए कितना बचेगा 11250 बचेगा आपकी इनकम 12000 आपका पीए होगा 11250 यानी इनकम कितनी बची आपको टैक्स देना पड़ेगा 750 पे 750 पे टैक्स आप कितना देंगी क्योंकि आप तो बेसिक रेट बैंड होल्डर हैं आप 20% का टैक्स देंगी यू विल लैंड अप पेइंग 150 का टैक्स लेकिन इस एमए को केविन को देने की वजह से केविन का टैक्स कितना बचेगा 250 का नाउ यू टेल मी पहली सिचुएशन में पूरे घर से टैक्स गया 4600 प्लस फोर्टी फर्स्ट सिचुएशन में सेकंड सिचुएशन में टैक्स गया 4350 प्लस 150 फिफ्टी विच ऑप्शन विल यू चूज सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आप ऐसे टैक्स कंसल्टेंसी देंगे दिस इज वॉट टैक्स कंसल्टेंसी इज क्योंकि ये आम इंसान नहीं समझता कि उसको कोई बेनिफिट लेने से फायदा होगा कि नुकसान होगा वो यहां पे आपको पैसे देगा दिस इज वॉट यू आर पेड फॉर एंड दिस इज टैक्स एडवाइजरी जो आपके एक्स एग्जाम में ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन होंगे कि क्या ऑप्शन ऑप्ट opt करना चाहिए ऐसे केस में केविन और जूडी को शुड दे अवेल और दे मस्ट गो फॉर एम ए और दे शुड नॉट और अवॉइड दिस प्रोविजन वहां पे आपको ये वर्किंग समेत बताना होगा कि नहीं ये तो एम ए तब भी लेना बेनिफिशियल है 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 नट में वो वो कितना टैक्स बचा लेंगे 100 का ठीक ठीक मैम मतलब मतलब हम जो एडजस्ट कर सकते हैं मतलब हम 12,500 से ऊपर नहीं जा सकते बट हम कम कर सकते हैं एडजस्ट कर, कर, कर सकते, सकते हैं कर सकते हो तो उसमें जूडी की टैक्सीबिलिटी आ जाएगी तो ठीक है टैक्स पे करने की हो सकता है टैक्स पे करके भी बेनिफिट मिल जाए दोनों को मैम वो जो आपने लास्ट में लिखा ना फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन वो समझ बचा नहीं ये देने वाला है। आप यहां पे करेगा फर्स्ट वाले को क्योंकि डिपार्टमेंट को तो पैसे ज्यादा चाहिए ना टैक्स ज्यादा चाहिए चलो अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम किट का निकालो करना चालू करो इस क्वेश्चन को मी सी कितना समझ में आ रहा है तुम्हें

गॉड दी जस्ट क्रॉस चेक इफ योर आंसर इज करेक्ट किसकी पूछी इसने वह नहीं किया अच्छा हायर टैक्स पेयर की ओके okay. ध्यान से करो गाइस ध्यान से इतनी जल्दबाजी नहीं ओके okay. सबने सेम आंसर दिया है कौन है ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया मैं मुझे <laughs> ये मुझे वाला कौन है प्रशांत हाँ मैम मैम ये तो जैसे सैलरी फोर्टी सिक्स फिफ्टी है तो ये तो हायर टैक्स पेयर वाली है बिल्कुल मैं तो... एग्जैक्टली exactly ये बोलने वाली थी ये तो हायर रेट टैक्स पेयर है एमए तो पिक्चर में ही नहीं आ सकता तुम लोगों ने सबने एम दे दिया तो मैम पर्सनल अलाउंस भी तो खुद का मैम वो पर्सनल अलाउंस लेस पर्सनल करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम बचेगी वो हायर रेट बैंड है एग्जैक्टली exactly. प्रशांत समझे हम, हम हायर रेट बैंड के लिए और एडिशनल रेट बैंड के लिए क्या देखते हैं टोटल इनकम देखते हैं या टैक्सेबल इनकम देखते हैं टैक्सेबल इनकम तो अब इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे मैं इसको g और w लिखती हूं ये जो वेने है ये 40, वाला बंदा है। अभी तो मुझे पीए भी देना एडिशनल रेट में, में जा रही है वो तो नहीं जा रही यानी एमए के लिए तो एलिजिबल ये हो गया ये कितनी आ गई इसकी अच्छा एग्जाम में ऐसे में जी की कैलकुलेशन इसके जेना की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है डोंट वेस्ट टाइम माइनस ट्वेल्व फिफ्टी ट्वेंटी एट वन फिफ्टी इस पे टैक्स कैसे लगाएं सीधा ट्वेंटी परसेंट पे लगाओ बेसिक रेट बैंड पे आ रहा है ये सो दिस इज फाइव सिक्स थ्री जीरो और अगर एम का फायदा लेना ही है तो कितना जाएगा टैक्स में से 250 कम हो जाएगा ये 250 कैसे आया 1250 का 20 परसेंट हाउ मच विल बी दिस फाइव थ्री एट जीरो ऑप्शन इज सी ठीक है जिस जिस को भी समझ में नहीं आया था क्या अब समझ में आया हम क्या देखते हैं हायर रेट बैंड या एडिशनल रेट बैंड के लिए टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम नहीं टैक्सेबल इनकम वो फाइनली टैक्स किस पे पे करेगा गॉट इट प्रशांत ठीक है इज इट क्लियर साक्षी दोनों साक्षी yes, yes, साक्षी ने तो आंसर भी दिया था एक मिनट चेक करने तो देखो साक्षी गर्ग ने आंसर करेक्ट दिया गौरव ने करेक्ट दिया दिशांत करेक्ट सारांश करेक्ट अंकुर करेक्ट रोहन करेक्ट रुत करेक्ट राजेश पांड्या इफ यू डू नॉट गेट मोर देन सिक्सटी मार्क्स इन डिसम्बर आई एम गोइंग टू स्क्रू यू अप एग्जाम में डरना नहीं है इस बार Then, चलो तुम्हारा आंसर देखो सबसे पहले आ रहा है हर क्वेश्चन का इट्स जस्ट फियर फैक्टर यू नीड टू थ्रो आउट चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझाती हूँ फिर तुम्हें ब्रेक देती हूँ पेई का कॉन्सेप्ट होता है ये टी होता है जो मैं आपको कह रही थी कि यूके टैक्स में टीडीएस का एक नाम अलग है उसको बोलते हैं हम पेई पे एज यू अर्न ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है इन्होंने बुक में बड़ा लंबा सा एक्सप्लेन कर रखा है आई विल जस्ट डू इज

I I रिफंड देता था लेकिन अगर टैक्स बनता है तो डिपार्टमेंट कोई रिफंड नहीं देगा फिर जो टैक्स कट गया वो रख लेगा अपने पास वो मुझे पे करना था जो मुझे पे करने वाले ने काट के गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा दिया होल आइडिया बिहाइंड टीडीएस एंड पेई कॉन्सेप्ट कि सोर्स ऑफ इनकम से टैक्स कट जाए तो अपने आप ही सामने वाले के पास ये ही नहीं आएगी कि पता नहीं वो डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा और अगर इनकम देने वाले ने टैक्स नहीं काटा उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए टैक्स काट के पेमेंट करेगा टीडीएस काट के ही दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पेई तो आपको जब सैलरीज मिलेंगी वो इसके बाद मिलेंगी दूसरी चीज इसमें क्या होती है ये जो अमाउंट एम्प्लॉयर इसका एम्प्लॉय का नाम देगा कि जब आप अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो एच इस अमाउंट को आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस कर देगा आपको इतना टैक्स पे करना है इसमें से आपके एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट काट लिया वो हटा के अब आप बचावा पे करो पूरा पे मत करो एंड में क्या होगा आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी नेट ही बचेगी यानी टोटल लाइबिलिटी क्या बनती है माइनस उसमें से क्या काट लिया गया है आप बचावा ही पे करेंगे सो इनकम टैक्स पेबल विल बी क्वाइट लेस क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए प्रैक्टिकल जगह हम सिर्फ और सिर्फ इसको इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस करेंगे बस लास्ट वाला जो आइटम है

ठीक है जैसे इंडिया में तो बहुत मंथ लग जाते हैं आपका रिफंड आने में मुझे ध्यान है मेरा तीन साल पहले का रिफंड तकरीबन नौ से दस महीने बाद आया था पर वहां यूके में बड़ा क्विक होता है ये और यूजुअली एम्प्लॉयर्स जो होते हैं हैं वो प्रेफर यही करते कि पहले इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स ले लिए जाएं और उसके बाद में जाके पे ही डिडक्ट हो चलो अब इसके बाद में ना रिलीफ आती है सो बिफोर आई गो अहेड विद रिलीफ जो अभी हम इसमें पढ़ रहे थे टोटल इनकम में से माइनस रिलीफ कर रहे थे रिलीफ में जाने से पहले तुम लोग दस मिनट पंद्रह मिनट का ब्रेक लेके आओ फिर इसको कैरी ऑन करते हैं ठीक है सो वील गेट बैक एट टेन फोर्टी होने वाले फिफ्टी फाइव पे मिलते हैं टेन फिफ्टी फाइव ओके ओके मैम सो लेट्स गेट बैक टू रिलीव्स नाउ अब जहां पे हम ये कह रहे थे कि टोटल इनकम आती है उसके बाद में हम रिलीफ देते हैं ताकि नेट इनकम आए हम ये उसी रिलीफ की बात कर रहे हैं वैसे रिलीफ बहुत सारी हैं बट फॉर योर सिलेबस रिलीफ आर कवर्ड अंडर ओनली थ्री हेड्स सिर्फ तीन ही है आपके लिए वैसे रिलीफ ज्यादा है पढ़ने के लिए बट ठीक है नंबर वन फर्स्ट रिलीफ विथ रिलेट्स टू क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट सेकेंड रिलीफ इट रिलेट्स टू चैरिटी जब भी कोई इंडिविजुअल चैरिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो उसको रिलीफ मिलेगी एंड थर्ड चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज बच्चों के लिए यूके में सरकार कुछ अमाउंट देती है इंडिविजुअल्स को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है उनको लेकिन ये रिलीफ कैसी है ये रिलीफ ऐसी है कि उसके ऊपर टैक्स इनकम बना के नहीं दिया जाता एक अलग ही तरह से कैलकुलेट किया जाता है विच इज वेरी नॉमिनल रेट ऑफ टैक्स इसलिए चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज को रिलीफ के अंडर लिया जाता है तीन रिलीफ कौन सी हुई

दो पार्टी हो सकती है इसमें या तो एक एम्प्लॉय हो या फिर एक पार्टनर हो यानी आपकी इनकम हो सकता है अंडर ट्रेडिंग इनकम आती हो अगर आप कहीं पार्टनर है यानी आप बिजनेस में पार्टनर है एक तरह से ओनर है आपकी इनकम ट्रेडिंग इनकम होगी एम्प्लॉय है आपकी इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम हेड के अंडर आएगी ये दोनों ही पार्टी और लोन लेंगी तो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगी क्या इस इंटरेस्ट पेमेंट को हम रिलीफ के लिए ले सकते हैं ले सकते हैं प्रोवाइडेड लोन किस पर्पज के लिए लिया जा रहा है फॉर एम्प्लॉय लोन लेने का पर्पज क्या होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में काम लाने के लिए आपको कोई प्लांटेड मशीनरी चाहिए इस प्लांटिंग मशीनरी को खरीदने के लिए आपने लोन लिया Let's suppose, मुझे जॉब मिलती है और वो बोलते हैं आपको खुद लाना है अपना, और और वो वो जो configuration का का बोल रहे हैं ,00 अब ये 1 ,00 रुपीज के लिए if I take a loan, और इस लोन पे मैं इंटरेस्ट पे करती हूँ एज पर एच ये इंटरेस्ट रिलीफ के लिए क्वालिफाई करेगा दूसरा ये जो कंपनी है ये एम्प्लॉई कंट्रोल्ड ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें मुझे जॉब मिली है और मैं यहां पे फुल टाइम हूं अब यहाँ के इस कंपनी के अगर मुझे शेयर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ रहा है उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट है दैट विल बी एलिजिबल फॉर रिलीफ ये एम्प्लॉय कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी कौन सी होती है जिसमें एम्प्लॉय को इशू किए जाते हैं काफी अच्छी परसेंट

So, sorry, ये मेरा हाथ लगने से ना जिस इट जस्ट गॉट टू डिफरेंट राउटर्स मुझे साफ सुन सकते हो देख रही है ओके ओके जस्ट कन्फर्म इफ यू कैन सी दी स्क्रीन ऑल्सो ये पीपीटी आ गई दिख रही है ठीक है ओके ओके जस्ट कंफर्म दूमेंट यू सी दी स्क्रीन आ गई पीपीटी सामने ठीक है अच्छा नाउ यू जस्ट टेल मी कहा तक सुन पाए थे आई जस्ट सेड की ये सारे के सारे इंटरेस्ट पेमेंट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर रिलीफ कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स ही होते हैं जो आपके क्वालिफाई करते हैं अगर आप एम्प्लॉय है तो आप दो पर्पजेस से जो लोन लेते हैं वो अगर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आता है तो रिलीफ मिलती है ये दो पर्पजेज कौन से हैं जिनके लिए आप लोन ले सकते हैं नंबर वन अगर एम्प्लॉयमेंट में काम आने के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद रहे हैं उसके लिए आपने लोन लिया इस लोन के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा दैट इंटरेस्ट पेमेंट इज एलिजिबल फॉर योर रिलीफ ऐसे ही अगर कंपनी जिसमें आप एम्प्लॉय हैं फुल टाइम एम्प्लॉय हैं ये कंपनी एम्प्लॉज को भी शेयर्स देती है एंड इट कंपनी एंड दिस कंपनी बिकम्स एन एम्प्लॉय कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी उसके शेयर्स खरीदने के लिए भी अगर आपने कोई लोन लिया है उस पर पे, पे किया जाने वाला इंटरेस्ट भी एलिजिबल फॉर रिलीफ है क्या ये चीज सबको समझ में आती है इज इट क्लियर मैम अगर कोई कंपनी लीज पे कोई कार uh, देती है एम्प्लॉय को हाँ, अपने हाँ? तो वो लीज पेमेंट्स इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगी या नहीं मतलब नहीं वो तो कंपनी लीज पे ले रही है ना ये हम बात कर रहे हैं जहाँ पे एम्प्लॉय ले रहा है अपने एम्प्लॉयमेंट में काम आने के लिए कोई कोई खरीदने के लिए इज बट मैम अगर कंपनी अपने को लीज पे दे रही है कार तो कार का रेंटल देगा एम्प्लॉ नहीं आजी। नहीं वो केस इसमें कवर्ड नहीं है यहाँ पे क्लियरली जैसे मुझे एक जॉब मिलती है और जॉब की कंडीशन होती है कि भैया आप लैपटॉप अपना खुद लेके आओगे अब मुझे वो लैपटॉप खरीदना है लेट सपोज मैं वन लाख वाला लैपटॉप खरीदती हूँ लेकिन इस वन लाख को फंड करने के लिए आई टी का लोन इस लोन के लिए आई हैव टू पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर रिलीफ है इसके अलावा जो का जो कोई भी अरेंजमेंट नहीं क्योंकि लीज रेंटल तो इसमें आ ही नहीं रहा दिस इज टिपिकली इंटरेस्ट वो जो लोन पे पे किया जाए कौन सा लोन वो जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए लिया गया हो ये तो पूरा अरेंजमेंट ही अलग हो गया तो लीज रेंटल्स के केस में तो हम एम्प्लॉयमेंट इनकम में देखेंगे कि अगर कोई एसेट हमें बोलते है इनको yes, ठीक है okay. अब यही चीज अगर आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं है आप पार्टनर है यानी आप एक पार्टनरशिप फर्म में है ऐसे केस में आप लोन किस चीज के लिए लेंगे आप भी दो पर्पज के लिए लोन लेंगे पहला पर्पज पार्टनरशिप में काम आने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए थी आपने लोन लेके वो प्लांट एंड मशीनरी खरीद खरीदी है और इस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ऐसे ही आपको पार्टनरशिप में कैपिटल के लिए पैसा चाहिए था तो आपने लोन लिया और लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सो दैट सिंपल अरेन्जमेंट चाहे वो एम्प्लॉ हो चाहे वो पार्टनर्स हो दोनों ही केसेस में एक कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर शेयर खरीदने के लिए दूसरा एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में काम आने के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है उस प्लांट एंड मशीनरी को फाइनेंस करने के लिए आपने लोन लिया है और इस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं यह पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट रिलीफ के लिए एलिजिबल है क्लियर क्लियर टू एवरी वन मैम कैन जस्ट रिपीट पॉइंट फॉर पार्टनरशिप द्वार दो लेट सपोज देर आर ए एंड बी पार्टनर इन सी वॉन्ट टू एंटर इन टू दैट पार्टनरशिप तो उसको उसमें कुछ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा अब जरूरी तो नहीं है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उसके पास पैसे हो ही लोन और इस लोन पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा सो दिस इंटरेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर थैंक यू चलो हां बोलो बोलो जैसे में अभी एक ऑप्शन और होता है जैसे हाउसिंग लोन लोन लिया तो उसका भी इंटरेस्ट आई थिंक है loan, loan. नहीं, नहीं loan, आपका है. यहां पे चीज़ है, आप वो प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं विच इज टू बी यूटिलाइज्ड इन एम्प्लॉयमेंट पे काम आनी चाहिए और सबसे बड़ी बात बिल्डिंग नहीं है इसमें प्लांट एंड मशीनरी है ठीक है

इन्होंने बोला है कि ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट है तो मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है फोर थाउजेंड पाउंड आ गई नाउ आई गेट नेट इनकम हियर। की नेट इनकम नेट इनकम से क्या माइनस करते हैं लगाओ कितना आ रहा है ये ये तो फोर फिफ्टी आएगा थ्री नाइन थ्री नाइन फोर फिफ्टी फोर फाइव जीरो थ्री नाइन फोर फाइव जीरो के ऊपर फटाफट से टैक्स कैलकुलेट करके बता दो थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड पे तो ट्वेंटी परसेंट बाकी बचे 7, हुए के ऊपर आ माइनस थर्टी सेवन फाइव हंड्रेडी परसेंट फोर्टी परसेंट ये कितना आ रहा है टोटल टैक्स एट टू एट जीरो पेई का क्या करूं लेस इसमें से लेस तो ध्यान रखना जो पेई होता है यानी कि एक तरह से टीडीएस होता है वो टैक्स में से माइनस होता है रीजन बींग आपको टोटल एट टू एट जीरो का टैक्स बनता है लेकिन इसमें से आपके एम्प्लॉयर ने थ्री सिक्स टू जीरो का टैक्स ऑलरेडी काट दिया ऑलरेडी एच के पास ये पहुंच चुका है अब आपको कितना देना है बचा हुआ ही देना है बचावा कितना देना है हाउ मच इज दिस एंड दिस इज सेवन थ्री फोर सिक्स सिक्स जीरो मिनट रुको चैट बॉक्स में लोग आंसर लिख रहे थे लेटमी चेक दैट ये जल्दी जल्दी आंसर देने वाले कैलकुलेट ही कर रहे हो ना अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सेम कैलकुलेशन की चलो गुड 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 यस यस गौरव एब्सोल्युटली राइट अब एग्जाम किट के क्वेश्चन पे आते हैं ये तो स्टडी टेक्स्ट ने आपको कैलकुलेशन का तरीका समझाने के लिए किया नज द एग्जाम किट ऑफर्स यू इफ राम

इन पे बताने है कि ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है या नॉन क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है पहला इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन ही इनकर्ड टू परचेज लैपटॉप फॉर यूज इन एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हो क्वालिफाइंग एग्जाम्पल हो गया बिल्कुल क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज फॉर हिज मेन प्राइवेट रेजिडेंस ये राजेश ने पूछा था ना रेजिडेंस वाला

यानी कि कंपनी वो होनी चाहिए जिसमें एम्प्लॉई को ओनरशिप मिलेगी ये तो कोई और कोटेड कंपनी है वो अपने कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है ठीक है दिस इज नॉट क्वालिफाइंग व्हाई ये कोटेड कंपनी है ये अगर एक एम्प्लॉई कंट्रोल्ड कंपनी होती तो सिचुएशन अलग ही होती गॉट दैट मैम हाँ जी मैम कोटेड कंपनी तो वो होगी ना जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है बिल्कुल बिल्कुल तो

जिस एम्प्लॉई को हम रिलीफ देने की बात कर रहे हैं ना उसका मेजर स्टेक होना चाहिए उस कंपनी में और पांच परसेंट स्टेक काफी बड़ा स्टेक होता है डायरेक्टर्स को देते हैं इतना स्टेक तो ठीक 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 है ठीक है मैं, ठीक है मैम चलो तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा यही देखना है कि एम्प्लॉय कंट्रोल्ड वर्ड आ जाए ज्यादा डीप में नहीं जाता देन इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन ही टुक टू इन्वेस्ट कैपिटल इन अ पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू बिकम अ पार्टनर क्या बोलते हो क्वालिफाइंग नॉट होलीफाइंग ठीक है अरे बोलो मैंने टिक कहाँ लगाया है क्वालिफाइंग क्लियर क्वालिफाइंग है तो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है टू मार्कर देखा बिल्कुल जोर ही नहीं आया इस तरह के क्वेश्चन में जस्ट गाइस जी, ये आपका एग्जाम किट का क्वेश्चन हो गया अब आते हैं चैरिटी पे चैरिटी थोड़ी सी ट्रिकी है चैरिटी में ज्यादा घबराना नहीं इसका जो इम्प्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है ठीक है चैरिटी कराने से पहले एक बार आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस चाइल्ड बेनिफिट रिलीफ पहले ये करते हैं ये ज्यादा तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा और मुझे इंटरप्रिटेशन बताना कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं बिकॉज यू शुड बाय दिस टाइम अंडरस्टैंड कि हम टैक्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज पहली चीज देखो चाइल्ड बेनिफिट होता क्या है यूके की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है जो मैरिड कपल्स हैं जिनके बच्चे हैं उस उनके लिए एक पेमेंट देती है सरकार उनको ताकि उनकी एजुकेशन उनकी हेल्थ उनके वैक्सीनेशन के ऊपर कहीं ना कहीं उनको एक असिस्टेंस मिल जाए ये जो पेमेंट होता है ये टैक्स फ्री होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चाइल्ड बेनिफिट है ये टैक्सेबल हो जाए क्या सिचुएशन होगी जब ये चाइल्ड बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा जहां पे ए जो हम पीए में कैलकुलेट कर रहे थे सेम एएनआई वो इंडिविजुअल की या उसके स्पाउस की या पार्टनर की मतलब सिविल पार्टनर की अगर वो फिफ्टी थाउजेंड पाउंड या उससे ज्यादा है तो चाइल्ड बेनिफिट भी चार्जेबल हो जाएगा रिडक्शन कब होता था जब ए एन आई वन लाख पाउंड से ऊपर हो जाती थी चाइल्ड बेनिफिट कब चार्ज बन जाएगा या उस पर कब टैक्स लगने लग जाएगा जब दोनों में से किसी की भी ए एन आई फिफ्टी थाउजेंड पाउंड से कर जाएगी. तब आपको इस चाइल्ड बेनिफिट के ऊपर भी टैक्स पे करना होगा गॉट दैट क्लियर ठीक है अब आगे समझते हैं अब ये चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा ये मुझे इंटरप्रिटेशन समझाओ जरा ये इंटरप्रिटेशन क्या है कैसे निकल रही है इफ एनी बडी कैन इंटरप्रेट दैट मीन आपको टैक्स इंटरप्रेट करना काफी हद तक आ गया अगर इनकम फिफ्टी थाउजेंड और थाउजेंड पाउंड्स के बीच में है टैक्स चार्ज विल बी वन परसेंट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट फॉर ईच 100 पाउंड्स ऑफ इनकम ओवर 50,000 पाउंड्स। और अगर एन आई सिक्सटी से ऊपर है तो जो भी चाइल्ड बेनिफिट मिला है वो टैक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेबल कैन एनी वन एक्सप्लेन मी? आराम से पढ़ो फिर एक्सप्लेन करो सिंपल इंटरप्रिटेशन है ये हाँ जी इसका मतलब अगर फिफ्टी वन थाउजेंड है इनकम इनकम अगेन फॉर एग्जाम्पल

हर £100 का परसेंट अब इसको कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो, ऊपर उस... exactly. दोनों दोनों होती है तो ये टैक्स चार्ज पे कौन करेगा जिसकी इनकम ज्यादा है ये सवाल बाद में आता है पहले एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं इलेस्ट्रेशन टेन ये आपकी बुक का इलेस्ट्रेशन है इसको करते हैं अच्छा इलेस्ट्रेशन है ये जस्ट अ सेकेंड Okay. Patrick and Haley are married with two children. Haley received child benefit of 1820 pounds during the tax year 2021. Patrick has no income as he looks after the couple's children. Haley is employed with a salary of 54,000 pounds per annum and has no other source of income. She paid 1800 pounds net to a registered charity. गिफ्ट एड स्कीम ड्यूरिंग दी टैक्स जब हम ए एन आई कैलकुलेट करते हैं दो अमाउंट माइनस करते हैं हम वो दो जो क्या होते हैं दिया हुआ है ये तो नेट है मैं इस एटीन हंड्रेड का ग्रॉस कैसे करूं हाउ शुड आई डू दी ग्रॉस ऑफ दिस हम अज्यूम इसमें ये करते हैं कि आप जो भी टी डी एस के पेमेंट करेंगे ना डोनेशन के लिए भी वो ट्वेंटी परसेंट की रेट से काटेंगे यानी आपने जो एटीन हंड्रेड का नेट अमाउंट दिखाया है ग्रॉस अमाउंट एक्स रहा होगा आपने इसका ट्वेंटी परसेंट काट के एटीन हंड्रेड का नेट पेमेंट कर दिया चैरिटी को यही हुआ है नो लेट सॉल्व एक्स एक्स कितना आएगा 1800 is इज रिप्रेजेंटिंग आई नीड हंड्रेड वाला अमाउंट सिंपल यूनिटरी मेथड वरना एक्स वाली इक्वेशन से भी सॉल्व करोगे तब भी एक्स कितना आएगा 2000? ये आ गया? 22, 50. 22, 50. 22, 50. आ गया अच्छा डबल टू फाइव जीरो अच्छा हाँ ठीक है डबल टू फाइव जीरो जीरो आ गया वो तो टेन परसेंट से हो जाता है ट्वेंटी परसेंट चाहिए हमें डबल टू फाइव जीरो आ गया यानी ग्रॉस अमाउंट था डबल टू फाइव जीरो इसका ट्वेंटी परसेंट माइनस करके आपने नेट पेमेंट किया है एटीन हंड्रेड का दिस इज व्हाट हैज़ एपन गॉट इट गॉट इट ठीक है अब क्या करें अब ए कैलकुलेशन करते हैं ए कैलकुलेशन कैसे होएगी कितनी इनकम आ रही है इस इंडिविजुअल की फिफ्टी 54,000 में से हम दो अमाउंट माइनस करते हैं गिफ्ट एड डोनेशन और पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन गिफ्ट एड डोनेशन हमें यही दे रखा था ना जो हमने ग्रॉस कर लिया यानी मुझे माइनस करना है टू टू फाइव जीरो हाउ मच इज दी एन आई ना एन आई कितनी आएगी कितनी आ रही है ये तो सेवन फिफ्टी है 51 वन फाइव वन सेवन फिफ्टी ए एन आई चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज के केस में यह थी कि अगर ये फिफ्टी थाउजेंड से एक्सीड कर जाती है तो आपको चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज पे करना होगा तो ये तो फिफ्टी थाउजेंड से एक्सिड कर गई अब आते हैं उस टेबल पे वो टेबल क्या बोलती थी टेबल बोलती थी अगर आपका बेनिफिट चाइल्ड बेनिफिट फिफ्टी थाउजेंड पाउंड और सिक्सटी थाउजेंड के बीच में आपकी ए एन आई फॉल्ट करती है तो चार्ज कितना रहेगा वन परसेंट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट फॉर ईच हंड्रेड पाउंड ऑफ इनकम ओवर फाइव फिफ्टी थाउजेंड पाउंड एक बार इसकी फोटो खींच लो फिर इसको एक एक वर्ड को अप्लाई करते हैं कि कैसे आएगा ये अगर ए एन आई फिफ्टी थाउजेंड पाउंड और सिक्सटी थाउजेंड पाउंड के बीच में लाइ करती है तो टैक्स चार्ज कितना रहेगा वन परसेंट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट इस केस में चाइल्ड बेनिफिट कितना मिल रहा है हमें ये मिल रहा है वन एट टू जीरो आंसर आने लग गए भाई वन एट टू जीरो चाइल्ड बेनिफिट है इस पे कितना चार्ज लगेगा वन परसेंट फॉर ईच हंड्रेड पाउंड्स ऑफ इनकम ओवर फिफ्टी थाउजेंड पाउंड तो मैं क्या पहले ये चेक करूं कि फिफ्टी थाउजेंड पाउंड से ऊपर मेरी इनकम कितनी है सबसे पहला स्टेप मुझे ये नहीं करना चाहिए करना चाहिए ना यस मैम यस मैम फिफ्टी थाउजेंड पाउंड से कितनी ऊपर है इनकम ए एन आई वन सेवन फाइव जीरो यहां तक पहुंचे पहुंचे यस yes, मैम अब इसकी वो टेबल क्या बोलती थी ये जितना भी एक्सेस है इसका हर हंड्रेड पाउंड्स पे वन परसेंट यानी वन सेवन फाइव जीरो का हर हंड्रेड पाउंड्स पे वन परसेंट वो यही कहना चाह रहा है जितना भी एक्सेस है उसका हर हंड्रेड पाउंड पे वन परसेंट इज चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज तो मेरा चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज कितना निकल के आ रहा है इज इट सेवेंटीन पॉइंट फाइव परसेंट यहां तक सबको क्लियर हुआ सेवेंटीन पॉइंट फाइव परसेंट यस मैम अब इसमें दूसरी एक चीज और ध्यान से पकड़ना उसको

चाइल्ड बेनिफिट उस टेबल में साफ लिखा हुआ था वन परसेंट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट फॉर एवरी हंड्रेड पाउंड यानी चाइल्डिट का सेवनटीन परसेंट विल बी दाइल्डिट टैक्स चार्ज ये कितना आता है कितना आ रहा है एट वन जीरो थ्री yes. जीरो तो अब डिपार्टमेंट ये भी लेना चाहेगा सो हाउ मच इज दॉर्मल टैक्स कैन वी क्विकली कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स इस इंडिविजुअल का नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा है इसकी इनकम आती है फिफ्टी फोर थाउजेंड की इसमें से हम साढ़े बारह हटाते हैं कितना के ऊपर थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड तक तो हम ट्वेंटी परसेंट लगा देते और बचे हुए के ऊपर फोर्टी परसेंट निकालो जरा कितना आ रहा है ये वॉट इज दिस डिफरेंस जल्दी जल्दी बता दो। आ, मैं दोनों का प्लस करके एट सिक्स जीरो बीच में बताई नहीं है इसने ये जो गिफ्ट दिया है ना ये चैरिटी के क्लॉजेज में भी आएगा तो एक बार अगर तुम्हारे पास बुक है अवॉइड दैट हम इसको सिंपल अभी सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज देख रहे हैं हम इसमें गिफ्ट में नहीं घुस रहे अभी क्योंकि हम चैरिटेबल गिविंग की रिलीफ छोड़ के आए हैं ठीक है सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन दैट 8650 ये तो आता है नॉर्मल टैक्स प्लस 309 आपको और पे करना होगा बिकॉज ऑफ चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज गॉट दैट ये अमाउंट सीधा सीधा ऐड हो जाता है टैक्स पेबल में अगेन आई विल से यहाँ पे गिफ्ट का हमने एक प्रोविजन छोड़ा है इसका एक ट्रीटमेंट पेंडिंग है वो ट्रीटमेंट की वजह से आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे अलग दिखेंगे लेकिन हम उसको अभी कर जाएंगे अगर सारा एक साथ कर दिया तो ठीक है so, सो चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज कैसे आएगा इज दैट क्लियर टू एवरी वन एट सिक्स सेवेंटी फाइव हंड्रेड में सिर्फ मुझे इसकाउंट्रेड थाउजेंडीड्रेड हंड्रेड आ रहा है 1600? नहीं जी, 200, 200, 200. वो एक बार अपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कवर ही नहीं देगा ठीक है सो चैरिटी उसने जो दी है एक बार उसको उसकी रिलीफ को हटाओ यहां से चाइल्ड बेनिफिट होगा कैसे कैलकुलेट होगा आप पहले ए एन आई कैलकुलेट करेंगे ए एन आई देखेंगे अगर फिफ्टी थाउजेंड पाउंड से ऊपर जा रही है जितनी भी ऊपर जा रही है हर हंड्रेड पाउंड का इज टैक्स चार्ज और इजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर ए एन आई सिक्सेंड पाउंड से ऊपर निकल गई जितना भी आपको चाइल्ड बेनिफिट मिला है पूरा पूरा टैक्स कर दो यानी ये तीन सौ नौ की बजाय वन एट टू जीरो हो जाता अगर ए एन आई सिक्सटी थाउजेंड पाउंड से ऊपर निकल जाती वो केसेस भी एग्जाम में ज्यादा आएंगे इसलिए चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के एग्जाम में ज्यादा आता है ये मिक्स क्वेश्चन में फिर इनकम बढ़ जाती है इंडिविजुअल की और वो टैक्स इसमें ये चार्ज में आता ही नहीं है पूरा ही चार्जेबल हो जाता है ठीक है सो यू कैन एक्सपेक्ट इट इन टू मार्क्स हां जी मैम मैं ये पूछ रहा था जैसे रिलीफ हमने बाद में लिया

उसको देने का तरीका ही अलग है तो ये जो तीनों रिलीफ हम देख रहे हैं चाहे वो चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज हो चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट्स हो चाहे वो चैरिटेबल गिविंग हो इन तीनों को देने का तरीका अलग है और अगर मैं सिंपल बोलूं सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही है जो डायरेक्ट रिलीफ में से माइनस होते हैं ये दोनों अलग ही तरह से दिए जाते हैं चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज टैक्स में से एडजस्ट करके दिया जाता है चैरिटेबल गिविंग आपकी जो बेसिक रेट बैंड है या हायर रेट बैंड है उनकी लिमिट्स को बढ़ा के दिया जाता है यानी एक इंडिविजुअल के लिए थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड की लिमिट नहीं होती है वो बढ़ जाती है इनको देने के तरीके बना ने। so आप में, नहीं डालते हो उसको। में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट आएगा और कुछ भी नहीं आएगा तो नेट में हम करेंगे, <laughs> बट अगर ये टैक्सेबल होगा तो हम लास्ट में इसका एडजस्टमेंट करके बिल्कुल बिल्कुल इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा चाइल्ड बेनिफिट चार्ज इट्स चार्ज लेकिन रिलीफ क्यों बोल रहे क्योंकि हम इस पर ट्वेंटी परसेंट नहीं टैक्स चार्ज कर रहे हैं देखो रेट क्या दे मैम तो, तो, अच्छा। हाँ, बोलो, बोलो? तो ये मतलब जैसे जो हमने पहले पढ़ा था कि रिलीफ तीन टाइप के होते हैं एक, तो वाला हो गया, एक ये वाला हो गया चाइल्ड वाला और एक और था चैरिटी 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 हाँ तो मैम तो हम ये मतलब बस इंटरेस्ट वाला ही लेस करेंगे वाह क्योंकि कहने को तो ये भी एक रिलीफ है कहने को तो चैरिटेबल गिविंग भी एक रिलीफ है लेकिन इनको देने का तरीका बहुत अलग है ये रिलीफ कैसे है अगर आज मैं इस 309 को डायरेक्ट इनकम में जोड़ देती या 309 को नहीं सॉरी 1820 को जोड़ती क्योंकि सरकार ने मुझे बच्चे के लिए एक अमाउंट दिया है मेरी इनकम अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो 1820 पे मैं क्या टैक्स पे करती या तो फोर्टी परसेंट पे पे करती या ट्वेंटी परसेंट पे करती लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोविजन ऐसा बनाया कि ये सेवेंटीन परसेंट पे आ गया दैट दैट इज इज दे से दिस दिस अ रिलीफ टू यू वी आर नॉट चार्जिंग का अमाउंट एट और आप सेवेंटीन परसेंट पे दे रहे हो हाँ देने का तरीका अलग है लेकिन इसलिए रिलीफ है ऐसे चैरिटेबल गिविंग चैरिटेबल गिविंग में क्या होगा डायरेक्ट अमाउंट माइनस नहीं होगा आपकी बेसिक रेट बैंड बढ़ा दी जाएगी तो तो जहां तक तक की इनकम पे 20 टैक्स पे 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 टैक्स टैक्स करते थे, वहां ज़्यादा अमाउंट करोगे। That is also a relief. तो देने का तरीका बदल दिया ने. देन गिविंग इट दी क्योंकि उससे तो ये हो जाएगी फिर बंदा टैक्स ही नहीं पे करेगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत ये चाहते थे इसलिए तरीका बदल दिया उसका ठीके? ठीक है ठीक है आगे। आगे। अगर इनकम हमारी कम कम हो जैसे नहीं नहीं मतलब से हमारा क्या सिस्टम होगा जुड़ेगा और ना इसके ऊपर करोगे आप कुछ भी नहीं होगा ये जो थ्री जीरो नंबर गायब और वन एट टू जीरो का जो पेमेंट मिला है वो पूरा एग्जाम उसके ऊपर आप कोई टैक्स पे नहीं करोगे चाइल्ड होगा जब आपकी ए एन आई फिफ्टी थाउजेंड से एक्सीड करेगी दरवाइज okay. आप इसको एक्जेक्ट पेमेंट मान के एंजॉय करोगे ठीक ठीक है एनी अदर कंफ्यूजन एनीवन नथिंग तो करो इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चलो जल्दी से आंसर निकाल के दो ड्यूरिंग दर टैक्स ईयर 2021 पेट्रा हैड ट्रेडिंग इनकम ऑफ फिफ्टी सिक्स फाइव एंड शी पेड एन एनुअल चैरिटेबल डोनेशन ऑफ फोर ये जो चैरिटेबल डोनेशन है पता नहीं अब ये ग्रॉस है कि नेट है अंडर द गिफ्ट एड स्कीम शी रिसीव्ड चाइल्ड बेनिफिट ऑफ 1095 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ हर सन कोस्टास पेट्रा हैड नो अदर इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2021 व्हाट चाइल्ड बेनिफिट इनकम टैक्स चार्ज इफ एनी विल बी एडेड टू पेट्रास इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर 2021 प्लीज क्रॉस चेक एएनआई फर्स्ट अरे आंसर आने लग गए करो 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 आईल गिव यू टू मिनट्स ओके राजेश लेट मी क्रॉस चेक

तो पहले इसको ग्रॉस करना वट वि ग्रॉस फोर हंड्रेड इज रिप्रेजेंटिंग एटी आई नीड हंड्रेड हाउ मच वुड दिस बी बीड्रेड फाइव हंड्रेड ठीक है अब सॉल्व करो जरा इज द आंसर गेटिंग चेंज सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं दिशांत का रुत का सेम आया है नहीं रुत इसको मान के चलो नेट मान के चलो वी विल गो विद एज पर द एग्जामिनर्स व्यू पॉइंट तो एग्जामिनर कहता है कि जब कोई अमाउंट क्लेरिफाइड नहीं है तो नेट मानो मतलब ग्रॉस gross, मतलब ग्रॉसिंग अप कर दिया मैंने अच्छा ग्रॉस कम किया है 500 कम किया है हाँ Haan, हाँ चलेगा परफेक्ट फिर आंसर ठीक आया होगा लेट्स सी इसकी इनकम कितनी आ रही है 56500 की इनकम है इसमें से 500 मैं माइनस करती हूं सो हाउ मच वी गेट

जो भी एक्सेस है उसके हर हंड्रेड पाउंड के ऊपर वन परसेंट का चार्ज हाउ मच विल बी परसेंटेज देन कितनी ये तो पूरी आ रही है पूरी सिक्सटी परसेंट आ रही है दैट ऑफ द चाइल्ड बेनिफिट बिकम्स टैक्सेबल या चार्ज बन जाता है वो कितना आया आपका चाइल्ड बेनिफिट वन जीरो नाइन फाइव इसका सिक्सटी परसेंट आप टैक्स में एड करेंगे कितना आ रहा है ये तो नील नहीं आएगा जिसने भी नील लिखा था 657 657 657. 657. आंसर आएगा सिक्स फिफ्टी सेवन इसको कुछ राउंड ऑफ करना पड़ा नो no, मैम ठीक है गॉट इट कोई कंफ्यूजन यस यस प्रशांत दस हजार कैसे हो सकता है मैं, मैं तो सारी इनकम निकाल दी अच्छा <laughs> नहीं, 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 नहीं इसको ध्यान से देखना उन्होंने क्या पूछा है कि टैक्स सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट पे निकालो चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज पूछा है उसने ठीक हाँ है पर ये ये अमाउंट मैच हुआ ना हाँ मैम तो पक्का ठीक है अब इस क्वेश्चन के साथ में एक नोट डालो जहां पे भी गिफ्ट एड के बारे में क्लैरिटी नहीं है यू विल ऑलवेज अज्यूम दैट अमाउंट इज नेट क्योंकि ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि यार ये ग्रॉस भी तो हो सकता था बिल्कुल हो सकता था लेकिन एग्जामिनर क्या फॉलो करता है हमें नंबर उस बेसिस पे लेने हैं नेट भी तो ले ही सकते हैं ना जितना सही ग्रॉस है उतना ही सही नेट भी है अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे एजम्पन लिख नहीं सकते तो नंबर कटवाने नहीं है ऐसे केस में लिख लो जहां पता नहीं है इट इज अज्यूम टू बी नेट एंड वी हैव टू ग्रॉस इट अप गॉट इट जहां पे भी लिख रहे हो वहां नोट डाउन कर लो मैम इसमें एग्जिस्टेड नेट इनकम क्यों निकालनी है सॉरी कम अगेन मैम उसमें एडजस्टेड नेट इनकम ने निका क्यों निकाली है क्यों मा, निकाली मतलब मतलब है गिफ्ट स्कीम को मैम गिफ्ट okay. स्कीम को इग्नोर कर दिया है क्या फॉर्म नंबर ये वाला यस मैम ये वाला मतलब इस 56500 में इन्होंने भी इग्नोर किया है ओके इग्नोर कर दिया ठीक है चलो देखो आगे इसकी फोटो ले लो इवन इफ यू डू नॉट कम टू आस वी आर नॉट टूगेदर नेक्स्ट वीकेंड इसको ट्राई करना ये इसी से रिलेटेड है क्योंकि जो टॉपिक आज पड़ा है उसको आज के आज ही कर लोग be अच्छा फिर जब आप रिविजन करोगे रुत पांड्या प्लीज पे अटेंशन योर अब जब आप रिविजन करेंगे ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जो हर बार एक एक बार में हो गए जो मैंने क्लास में कराए हैं ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है रिविजन करते टाइम आप सिर्फ इनको ही देखेंगे आपको एक एक एक-एक क्वेश्चन -एक -एक नहीं उठाना है क्लास में जो हुए हैं सिर्फ वही वाले आपको प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि क्लास में वो क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे गॉट इट ठीक है जी इसकी फोटो खींच लो होमवर्क में ट्राई करना है इसको बहुत इजी है डायरेक्ट आ जाएगा और इसमें तो बल्कि ओहो दो नंबर फ्री के दिए हैं एएनआई कैलकुलेशन का कुछ दिक्कत ही नहीं है गुड 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 दो चैरिटी का टॉपिक का है फोर्टी फाइव मिनट्स उसमें लगते हैं बट दैट्स अट हाई लेवल ऑफ टॉपिक इन टर्म्स ऑफ आपने अभी तक जितना किया पहले उसको एब्जॉर्ब कर लो उसको अपने टिप्स पे लर्न कर लो उसके बाद में चैरिटी को आप एब्जॉर्ब कर पाओगे दूसरा जितने भी लोग बाय फ्राइडे फाइनलाइज कर लें या जितनी जल्दी कर लोगे टैक्स स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल पे मैंने एक छोटी वीडियो बना रखी है इंटरेस्टिंग सी इसको यहां से पढ़ने से पढ़ने पहले आप वो वीडियो देख के आओगे क्योंकि वो वीडियो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पे कुछ दिनों का चक्कर है इट्स टू इट्स टू कंफ्यूजिंग इफ आई विल डायरेक्टली सर्व यू की टैक्स स्टेटस में कैसे दिनों की कैलकुलेशन होगी सो वेवर वी विल मीट ऑन सैटरडे आपको ये प्री प्रिपेरेशन करके आनी होगी ये प्री pre प्रिपेरेशन के लिए वीडियो आपको तभी मिलेगी वेन यू फाइनली डिसाइड टू बी विद एंड रजिस्टर वन मोर थिंग आई विल जस्ट से कहीं भी ज्वाइन करना टैक्स में ध्यान रखना आपको प्रोविजन पे मेहनत करनी है यहाँ पे सारा खेल प्रोविजन ध्यान रहने का है अगर प्रोविजन ध्यान रहेगा एप्लीकेशन आपको धीरे धीरे अपने आप आ जाती है लेकिन प्रोविजन ध्यान नहीं है तो ये पेपर ही हैंडल नहीं होगा एंड यू सॉ दी बल्किनेस ऑफ दिस पेपर इसमें मेहनत बहुत चाहिएगी। तो मेहनत मेरे लिए या किसी और के लिए मत करो खुद के लिए करो यू हैव टू बी एन ACCA। और ये पेपर करना तो है ही ऐसा तो है नहीं कि आज बच जाओगे कल तक का वेट कर लेते हैं शायद कल ये पेपर एग्जाम हो जाए ये एग्जाम नहीं होने वाला आपको देना ही है देना ही है टू गैट रेड ऑफ इट क्विकली नोट्स आपको मिलेंगे उसके अलावा इफ देर इज एनी कन्फ्यूजन विच यू वॉन्ट मी टू क्लैरिफाई बिफोर यू डिसाइड टू बताओ। कुछ भी है तो। नथिंग तुम लोग सब हो डिस्कनेक्ट हो गए या मैं डिस्कनेक्ट हो गई मैम जस्ट वन बेसिक क्वेश्चन मतलब

क्योंकि अभी लेटेस्ट एफएम ही गया है एंड आई हैव स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस फ्रॉम देम ओनली बेचारे वो मेरे पहले शिकार रहे इस पे देखो लास्ट चैप्टर बिजनेस वैल्यूएशन दिखाती हूँ कोई सब ही देख सकते हैं हम तो उनको भी ये मिलता है दैट व्हाटएवर आई एम आस्किंग वो उसी टाइम के टारगेट में फिर उसको करते हैं ऐसे ओके ठीक है तो ये जो ऐसा था कि पूरी यूनिट का है में क्या होता है कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स की यूनिट्स बनी हुई है जैसे चैप्टर नंबर ये उसका ट्रैकर है तो ये एक साथ एक चैप्टर के इतने क्वेश्चन नहीं है ये पांच चैप्टर के क्वेश्चन है तो वो इनको नोट के लिए मैंने दिए थे कि ये सारे के सारे हैं तुम्हारे होमवर्क ये है इस तरह से रिकॉर्ड में भी चला जाता है कि कब कब किसको क्या क्या करके आना है ठीक है ओके थैंक यू डू बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दी स्टूडेंट्स इज सिंपली कि जब मैं जो होमवर्क दे रही हूँ डोंट डिले इट वो क्या होता है एक भी टारगेट मिस होता है ना उसके बाद में वो चीज पाइल अप होती चली जाती है तो hmm. वंस so ये रिले रेस है अगर पहले लैप में देर हुई आगे चल के भी देर होती चली जाएगी डोंट डू दैट और इवन नॉट विद मी फ्रॉम वेर एवर यू स्टडी एंश्योर दैट यू आर डिसिप्लिन विद दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग डेली बेसिस पे पढ़ो ये वीकली होमवर्क होते हैं एक दिन पार्टी है दूसरे दिन नहीं होगी दूसरे दिन भी है तो तीसरे दिन नहीं होगी उस लोड को थर्ड डे पे शिफ्ट कर दो फिर बट एंश्योर इट इज डन विद इन वीक्स टाइम ठीक है मैम हाँ जी मैम मेरे एक डाउट था जैसे कि मैंने इस बार एफएम दिया था इस वाली सेटिंग में हुँ. और इस बार एफएम में ओवरलोडेड थ्योरी आई थी मतलब बहुत ज्यादा थ्योरी थी मैम मैंने 55 60 मार्क्स की मैम <laughs> हाँ शायद मेरी तो आई गेस एस उससे भी ज्यादा ही थी मतलब अगर किसने थ्योरी नहीं करी तो वो नहीं पास हो सकता सो so, अब मेरे को मतलब, मतलब वैसे तो आई गेस क्लियर हो जाएगा बट स्टिल मतलब डाउट है तो उस मतलब, केस तो मतलब, मतलब, को मतलब, की, मतलब, की कोचिंग मतलब लाइव लूँ क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ तो मेरे पास संडे ही होगा

कि अगर हो जाएगा तो क्वार्टर वेस्ट करना आप अफोर्ड कर सकते हो क्या क्योंकि फिर वो एक क्वार्टर नहीं वो दो क्वार्टर मिस होंगे आई टैक्स दो never. Hmm. अगर एग्जाम लॉन्च नहीं हुआ किसी कारण से आप पेपर नहीं दे पाए या चलो पेपर रह गया नेक्स्ट क्वार्टर में सारी बुक्स नहीं आएंगी चार हजार की बुक्स आती है इसकी और wow. उस टाइम तक मार्केट में पायरेटेड भी नहीं मिलेगी बिग <laughs> रिस्क तो रिकॉर्डेड ले लिया जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग और उसमें से तीन जने इंडिया के नहीं है तो उनको इट इज गोइंग टू बी इन द मॉर्निंग तो वो तो रिकॉर्डेड पे चले गए बट स्टिल से अगर आज से डेढ़ महीने या एक महीने बाद रिजल्ट आएगा तब तक तो आप सिक्सटी परसेंट सिलेबस कर बैठोगे अगर नहीं हुआ

एक मेरी स्टूडेंट है तुम देखना उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट uh, फिफ्टी है उसका वन ऑफ माय ब्रोशर्स विल है फिफ्टी पे वो शी पास एंड शी स्टार्टेड अगेन कि मैम पीएम नहीं होगा मेरा क्लियर और वो उसका फिर वो क्वार्टर खराब हो गया क्योंकि टाइम बचा ही नहीं बाकी किसी पेपर के लिए सो so, काम ये भी हो सकता है ना कि दिसंबर में मैं व्हाट्सएप पर सिचुएशन यही दे देता हूँ टैक्स क्योंकि मार्च में फिर से क्लोजिंग की डेट आएगी तो ई वाले टाइम नहीं देंगे

<laughs> तो होगा हो <laughs> योरसेल्फ की अपने लिए बेस्ट डिसीजन लो जो भी कंफर्ट से हो जाए रिस्पेक्ट वेक हमारी तरफ से कोई आपको डेली बेसिस पे चेंज नहीं करेगा कि आप क्यों नहीं आ रहे क्या करना है हम डिस्काउंट दे देंगे हम ये कर देंगे <laughs> कोई आपको तंग नहीं करेगा एक्चुअली जस्ट थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव विच इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू उस हिसाब से चलो ठीक है

अरे कुड़ियों क्यों चुपचाप बैठी हो सी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिकॉर्डेड क्लास एंड अ लाइव क्लास यू नीड टू कम अप यू नीड टू स्पीक इट फील्स वेरी गुड व्हेन आई गेट आंसर्स फ्रॉम गर्ल्स आल्सो इतनी डरो मत मेरे से डर रहे हो तो अभी तो कॉर्पोरेट लाइफ झेलनी है टीम्स लीड करनी है यू आर द फ्यूचर सीईओ एंड सी एफ ओज ऐसे ही हो जाएगा उसकी तैयारी एक साल में उसका कोई कोर्स होता है क्या बिकम अ सीईओ इन नाइनटी डेज

वेरी गुड प्रशांत बधाइया बधाइयाँ बधाइया वेरी गुड वी डिजर्व अ पार्टी एफ एम का रिजल्ट आ जाए फिर डबल पार्टी ठीक है चलो चलिए जी सो जस्ट डू कन्फर्म आज एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आई कैन फॉरवर्ड यू ये रेजिडेंसी वाला केस ऑल्सो एंड यू कैन ऑर्डर यूर बुक्स प्रोसीडिंग जल्दी जल्दी चालू करो ऑलरेडी हम इस बार लेट चल रहे हैं बैचेस फॉर्म करने में सो वॉट एवर इज योर डिसीजन वी रेस्पेक्ट दैट टाइम बहुत लास्ट मोमेंट मत करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसको मैनेज करना ठीक है जी ओके मैम केयर